नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाओं आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की COVID-19 नेशनल टास्क फोर्स ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को ICMR टास्क फोर्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब कोरोना मरीजों को आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा नहीं दी जाएगी। इन्हें गाइडलाइन से बाहर कर दिया गया है। विशेषज्ञों को कोविड के खिलाफ आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के प्रभाव का कोई सबूत नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली दवा आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी भारत में धड़ल्ले से कोरोना के खिलाफ इन दवाओं का इस्तेमाल होता था। आइवरमेक्टिन पर WHO भी सवाल खड़े कर चुका है। हालांकि अब कोरोना के खिलाफ प्रभावकारी नहीं होने की वजह से ICMR ने इस पर तत्काल रोक लगा दी है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ICMR में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोगों के प्रमुख समीरन पांडा ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली इन दवाओं के प्रभावी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारी चर्चाएं हुई और वीडियो ने आखिरकार COVID-19 मरीजों को दी जाने वाली इन दवाओं को दैनिक उपयोग की लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।